नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। चमोली जिले में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष महावीर रावत का जनपद में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है और युवाओं ने जिला अध्यक्ष के स्वागत में कर्णप्रयाग और गोचर में बाइक रैली निकाली और मिठाइयां बांटी है। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी को चमोली जिले में मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से कार्य किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रदेश के सभी मोर्चा की घोषणा जो है वो कर ली गई है और चमोली जिले में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महावीर रावत का जिले की सीमा में पहुंचने पर कमेडा से ही गोचर तक बाइक रैली निकालकर रोड शो किया गया और भाजपा युवा मोर्चा के लोगों ने जिलाध्यक्ष के स्वागत में नारेबाजी की और इसके बाद ही कर्णप्रयाग में भी युवा मोर्चा के लोगों ने ही जिलाध्यक्ष महावीर रावत का फूल मालाओं से स्वागत किया है और इसके साथ ही मिठाइयां बांटी गई हैं। और इस मौके पर जिला अध्यक्ष महावीर रावत ने कहा है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा को चमोली जिले में मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से कार्य किया जाएगा और लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत जी का और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता पर उन्होंने ये भरोसा जताया है। मैं पूरे शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ और उनका जो दिशा निर्देश मुझे मिला है उस पर मैं निश्चित तौर पर चमोली में युवाओं की एक नई टीम, अच्छी टीम, जो कि हम 2024 में जो निकाय चुनाव हैं और अपने लोकसभा चुनाव है उसमें फतेह करने जाएंगे, मैं सभी युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा और चमोली को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चले रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि उत्तराखंड के सभी जिलों में लोगों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने के लिए अधिकारी कार्य करें और इसी को लेकर आज हरिद्वार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया जिसमें जिला अधिकारी ने SSP सहित अन्य अधिकारियों के साथ लोगों की समस्याएं सुनी है और अधिकारियों को लोगों की समस्या का समाधान करने के दिशा निर्देश भी दिए है। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे का कहना है कि तहसील दिवस में अभी तक 32 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। बाकी 3 विभागों की शिकायतें हैं, उनके अधिकारियों को मेरे द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं और पिछले तहसील दिवस में आई शिकायतों का भी निस्तारण किया गया है। हमारा प्रयास यही है कि जितनी भी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उसका तुरंत निस्तारण किया जाए और इसलिए तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। मंगलवार को आयोजित होने वाले तहसील दिवस में जिलाधिकारी, SSP सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अभी तक लगभग 32 शिकायतें आ चुकी हैं जिनपे सुनवाई की गई है, 3 का मौके पर निस्तारण हुआ है। बाकी जिस जिस विभाग से संबंधित शिकायतें हैं उसमें टाइम बाउंड हम लोगों ने ऑर्डर पास किया है। पिछले तहसील दिवस में जो भी शिकायतें आई थी उनका एक बार रिव्यू कर लिया गया है और सभी शिकायतें निस्तारित कर दी गई हैं। प्रयास शासन का यही है और हम लोगों का कि जो भी शिकायतों का निस्तारण हो, ऑन मेरिट हो, केवल सरसरी तौर पर निस्तारण न किया जाए, इसीलिए इस तहसील दिवस का आयोजन होता है। जितने भी तहसील दिवस हमारे होते हैं, फर्स्ट और थर्ड मंगलवार को, उसमें मुझे और SSP साहब को जिला स्तर के सभी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और पिछले दिनों हम लोगों ने भगवानपुर में जब तहसील दिवस का आयोजन किया था तो हमने एक अनुमान लगाया कि पहले कोटद्वार में अपराध और नशे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है और इसी क्रम में आज बढ़ते नशे को लेकर पुलिस ने नशा मुक्ति जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर को बुलाया गया जिनके द्वारा बच्चों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई और नशे से दूर रहने की सलाह दी है। कार्यक्रम में उन बच्चों ने भी अपनी वहां पर हाजिरी दी है जो कभी नशे की जद में हुआ करते थे और आज वो नशा मुक्त हो गए। बता दें आपको कि SSP पौड़ी श्वेता चौबे की ओर से जिले को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए नशा माफियाओं पर कार्रवाई के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और साथ ही नशे की गिरफ्त में आ चुके लोगों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें नशा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास के लिए पहल की गई है। ये पुलिस का जो नशा मुक्ति को लेकर अभियान है उसकी एक कड़ी है।
जो प्रिवेंटिव या लोग जो आपराधिक कृत्य में इन्वॉल्व में है उनके पीछे हम काम कर रहे हैं। हमने देखा पिछले 2-3 महीनों में काफ़ी सारे लोगों को जेल की सलाखों में भेजा है। साथ ही ये भी अवेयरनेस कैंपेन चलाना भी ज़रूरी था, लोग अवेयर हों, नई पीढ़ी को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी हो, वो हमारा मैसेज उन तक पहुँचे, और अगर उनकी सोसाइटी में अगल बगल में कोई व्यक्ति नशे का काम कर रहा है तो उसके बारे में हमें बताएं। बेसिक काम ये है, और आज हम एक मनोवैज्ञानिक बुलाए हुए हैं ताकि वो बेहतर ढंग से लोगों को समझा पाए नशा मुक्ति के बारे में। हरिद्वार बैरागी कैंप में भारी मात्रा में दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़कंप मच गया है। बैरागी कैंप में गड्ढा खोदकर ये दवाइयां दबाई गई थी और भारी मात्रा में बरामद हुई दवाइयां सरकारी दवाइयां बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद एसडीएम पूर्ण सिंह राणा और ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी के गड्ढा खुदवाया गया, और अधिकारियों को भी वहां पर देखा गया कि वो हैरान रह गए इतनी सारी दवाइयां देखकर, और भारी मात्रा में विटामिन, कैल्शियम और आयरन की दवाइयां जो यहां पर थी, और इसके साथ ही पेटियों के बाहर ये यहां से निकलना शुरू हो गई। और बताया ये भी जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान ये दवाइयां मंगाई गई थी और इन दवाओं में से कुछ दवाएं एक्सपायर भी हो चुकी हैं, और इसको लेकर भी अभी बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने इतना साफ कर दिया है कि ये सब दवाइयां सरकारी दवाइयां हैं। और एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने बताया है कि गवर्नमेंट सप्लाई की दवाइयां मिली हैं, बिना एक्सपायर हुई दवाइयां भी लावारिस फेंकी गई हैं, और इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को तत्काल मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही बरामद हुई दवाइयों को नियम अनुसार नष्ट किया जाएगा। तो ये पाया गया है, ये वास्तविकता है, तो उसमें मेडिकल टीम प्लस ड्रग इंस्पेक्टर और पॉल्यूशन टीम को मौके में भेजा गया है, और क्योंकि कुछ मेडिसिन एक्सपायरी नहीं है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में यूज़ होना चाहिए था, और कुछ मेडिसिन अगर एक्सपायरी भी थी तो उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल का एक जो नियम है, क्योंकि भगवानपुर में उसका एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना है जिसमें कि बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल किया जाता है, जो नहीं किया गया है, तो उसमें FIR दर्ज करने के ऑर्डर कर दिए गए हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और मेडिकल डिपार्टमेंट को। तो जो भी चीज़ें रहेगी एज पर लॉ कार्रवाई की जाएगी। क्या की गई है वो गवर्नमेंट यूज़ की है, वो नॉट फॉर सेल लिखा गया है, सारे में जितने भी मेडिसिन पाई गई है तो वो गवर्नमेंट की सप्लाई है एक तरीके से, तो उसमें मेडिकल टीम को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, और उसका प्रॉपर डिस्पोजल के लिए ये भगवानपुर से भी टीम को बुलाया गया है। मुझे ऑन कॉल अभी पता चला, कुछ जर्नलिस्ट ने मुझे कॉल किया है और SDM साहब ने मुझे कॉल किया, बताया कि यहाँ पे बहुत सारी मात्रा में दवाइयाँ डैम की गई है, और मैं मौके पर आके मैंने यहाँ पे चेक किया तो जो दवाइयाँ यहाँ पाई गई हैं वो मोस्टली विटामिन्स की, आयरन, विटामिन सी है, और जिसमें एक दो दवाइयाँ एक्सपायर हो चुकी हैं, बाकी 2-3 दवाइयाँ ऐसी जिनकी अभी एक्सपायरी नहीं हुई है। ये विषय थोड़ा सा जो है गलत है, इस तरीके से जो दवाइयाँ अभी खाने योग्य हैं उनको जो है डैम किया गया है, और जो कि जनता के हित में जानी चाहिए थी, उन्हें बिकनी चाहिए थी, बट जो जांच का विषय ये है कि ये दवाइयाँ सारी गवर्नमेंट सप्लाई की हैं, तो CMO साहब को मेरे द्वारा एक जांच के द्वारा एक लेटर उन्हें प्रस्तुत करके ये सारी जानकारी दी जाएगी कि किस हॉस्पिटल में ये बैच की दवाइयाँ उनके द्वारा सप्लाई की गई थी, तत्पश्चात ही पता चल पाएगा कि किसने और किस हॉस्पिटल से ये दवाएँ यहाँ पर डैम की और क्यों की गई है। ये दवाइयाँ मोस्टली कुंभ के दौरान की हैं, क्योंकि इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है 2020 के आसपास की है, तो विटामिन्स हैं, विटामिन्स बहुत जल्दी डिटोरेट भी हो जाती हैं, तो वजह भले ही जो भी रही हो बट ये तरीका अच्छा नहीं है कि जो दवाइयाँ अभी खाने योग्य हैं उनको जो है यहाँ पर डिस्पोज कर दिया गया है, उसके लिए जो है एक प्रॉपर तरीके से उनका एक डिस्पोजेबल होना चाहिए था। ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मेरे आने के बाद यहाँ पर दवाइयाँ पहले से यहाँ पर जो है बुलडोजर लगा हुआ है और दवाइयाँ सारी निकाल। जोशीमठ में भूधसाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और भवनों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, और जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने मंगलवार को जोशीमठ में भूधसाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए उद्यान विभाग की भूमि और डाक में ही संचालित भवन निर्माण कार्यों का
स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करें, कोई भी आवश्यकता हो तो तत्काल संज्ञान में लाया जाए। आपदा प्रभावितों के लिए डाक में ही केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्था रुड़की के सहयोग से कार्यदायी संस्था RWD के माध्यम से ही इसको भवन बनाए जा रहे हैं और डाक में विद्युत लाइन बिछा दी गई है। यहाँ पर समुचित आवासीय व्यवस्था भी जुटाई जा रही है। प्रभावितों के पुनर्वास हेतु डाक में ही जल्द ही प्री फैब कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी और वहीं जोशी मठ में ही TCP तिरहा के पास उद्यान विभाग की भूमि पर प्री फैब निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यहां पर 1 BHK तैयार हो गया है जबकि 2 BHK और 3 BHK भवन का कार्य अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी ने जोशी मठ नगर क्षेत्र में गांधीनगर और सिंहधार वार्ड में ही कई आवासीय भवनों में दरारों की स्थिति और JP परिसर मारवाड़ी में हो रहे पानी रिसाव का स्थलीय निरीक्षण भी किया है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी विधानसभा की समस्याओं पर गौर न फरमाने पर विधायक पौड़ी राजकुमार पौड़ी ने ही अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जल्द ही जनता की समस्याओं को निस्तारित करें। और बता दें आपको कि विधायक राजकुमार पौड़ी उनकी विधानसभा में हो रहे कार्य विकास कार्यों की प्रगति को जानने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने पहुंचे और बैठक में राजकुमार पौड़ी ने कहा कि पेयजल किल्लत की समस्या अब भी तस की तस है, जस की तस बनी हुई है और विभाग पाइपलाइन से हो रहे हैं, लीकेज होकर भी ठीक नहीं हो पा रहा है और जिससे जनता बार बार विधायक से सवाल कर रही है। और विधायक राजकुमार पौड़ी ने कूड़े की समस्या का निस्तारण न करने और सड़कों के गड्ढे मुक्त न होने और शहर में अवैध अतिक्रमण होने पर भी नाराजगी जताई है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नगर पालिका को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीवरेज सिस्टम को ठीक कर ले ताकि गंदा पानी सड़कों में ना बहे। और विधायक ने विकास कार्यों को लेकर भी बैठक की जिसमें टाइमलाइन का ध्यान रखकर विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विधायक ने पशु चिकित्सा विभाग को शहर में पशु चिकित्सा केंद्र खोलने के साथ ही इसके साथ ही सड़कों की हालत को सुधारने और लंबित सड़कों की कार्यवाही जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और जबकि उरेडा विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे सोलर लाइट को ही जरूरतमंद क्षेत्रों को पहले प्राथमिकता देकर सबसे पहले लगाए। विधानसभा पौड़ी की जो समीक्षा बैठक हुई उसमें विभिन्न विभागों को संबंधित निर्देश दिए गए विभिन्न कार्यों से संबंधित, और कार्यों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त किए जाने के लिए माननीय विधायक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया। इस संबंध में नगर पालिका में कूड़े की समस्या या रोड के कंडीशंस को लेकर या वाटर सप्लाई को लेकर जो भी मुद्दे उठाए गए हैं उन पर संबंधित अधिकारियों को यही निर्देश दिए गए कि तत्काल इन पर आवश्यक कार्रवाई कर रिलीफ दें। जो समस्याएं आई हैं आज फिर से तो उनका अभी जल्दी निस्तारण होगा, ऐसा मैंने अधिकारियों को निर्देश किया है और अधिकारियों ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम टाइमलाइन उन्होंने दी है उसके अंतर्गत उसको पूरा करेंगे। इस समय जो पानी की सप्लाई के बारे में जो समस्याएं आई हैं उसके बारे में बातचीत हुई है, तो मेन उसमें ये था कि जो नगर क्षेत्र हमारा यहाँ पर मोटी लाइन बिछाई जाए, ये मेरी तरफ से बात रखी गई है और अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया है। इसमें प्रस्ताव जाएगा और नई लाइन मोटी लाइन बिछाई जाएगी टैंक से, और उससे नज़दीक से घरों के नज़दीक से कनेक्शन देने से सभी घरों को उपलब्ध होगा जल, पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध होगी। कई मांगों को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन संगठन द्वारा सरकार पर अनदेखी किए जाने को लेकर भारत वर्ष में विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में भी राशन डीलरों ने मंगलवार से 3 दिन तक पूर्ण रूप से राशन वितरण बंद करने का ऐलान किया है और केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 7 फरवरी से ही 3 दिन तक राशन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। और हरिद्वार जिले के मंगलोर, नारसन, छबरेड़ा सहित आसपास क्षेत्रों की अभी राशन की दुकानें पूरी तरह से बंद रही जिससे लोगों को राशन मुहैया नहीं हो सका है। मंगलोर राशन डीलर यूनियन अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने बताया है कि सरकार द्वारा संचालित फ्री गेहूं की योजना गरीबों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन राशन डीलरों को राशन वितरण करने के लिए कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा। फ्री राशन वितरण करने
के बाद सरकार द्वारा राशन वितरित करने वाले डीलरों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना ही कमीशन और ना ही कोई माल ढुलाई के लिए उन्हें कोई मानदेय दिया जा रहा है, जिससे उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिले के सभी राशन डीलर हड़ताल पर हैं और इस दौरान ही कहीं भी सरकारी राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। दो हफ्ते से तो स्थिति में ठहराव आया था और नीचे जो जेपी में पानी का रिसाव था उसमें भी बहुत उसकी गति बहुत कम हुई थी, करीब 16 LPM तक पहुंच गया था। जो अभी एक दो दिन से हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली हैं तो कुछ घर ऐसे जहां पर पहले से क्रैक थे उसमें वाइडनिंग की रिपोर्ट्स आई हैं और कुछ 5 घर ऐसे हैं जहाँ पर नए घरों में भी बिल्कुल हल्की दरारें हमें परिलक्षित हुई हैं। तो उन घरों को, उन लोकेशंस को हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमने क्रैक मीटर्स भी वहाँ पहले से लगा रखे थे और डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग सेक्टर अधिकारी के माध्यम से चल रही है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार संपर्क में हैं, तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि हमें कोई एक्शन लेना पड़ता है तो उसके लिए तैयार हैं। बट अधिकांश जो ये क्रैक्स पड़े हैं ये ऐसे घर थे जहाँ पर अभी लोग नहीं रह रहे थे, एक दो घर ऐसे थे जो लोग रह रहे हैं, तो उनको हमने मॉनिटर करने के लिए बोला है। अगर और इसी खबर पर मंगलोर से हमारे सहयोगी अकील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील, बताया जा रहा है कि राशन वितरण बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। देखिए, बात करें हरिद्वार के डीलों की या उत्तराखंड के डीलों की, जो राशन डीलर है उन्होंने 7, 8 और 9 फरवरी को जो है हड़ताल कर रखी है, उन्होंने जो दुकानें हैं बंद कर रखी है। उनका यही कहना है कि सरकार ने जो फ्री राशन दे रहे हैं वो प्रधानमंत्री की योजना तो अच्छी है, लेकिन जो उनको मानदेय या फिर कमीशन मिलता था वो उनको काफी दिनों से नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको काफी दिक्कत हो रही है। और उनके पास जो जिस ढुलाई का काम करते हैं या फिर कंप्यूटर का ऑपरेटर का काम करते हैं उनको तनख्वाह भी अपने घर से देनी पड़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा जो कमीशन उनको दिया जाता था उनको नहीं दिया जा रहा है। और पूरे उत्तराखंड में ये हड़ताल चल रही है। बात करें मंगलोर, झबरेडा या रुड़की की, जो राशन डीलर उन्होंने अपने जो दुकान है राशन की वो बंद कर रखी है। जी जी अखिल, अभी तक इसको लेकर कोई अभी प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया या फिर अभी तक इसको लेकर कोई बातचीत की गई है? ठीक है, इससे पहले देहरादून में जो है राशन डीलों के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी उनसे बात करी थी, सरकार से बात करी थी, उन्होंने इसका आश्वासन दिया था, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद भी उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, इसलिए जो राशन डीलर हैं वो हड़ताल पर हैं। और जो मंगलोर क्षेत्र के सभी जो डीलर हैं वो हड़ताल की जगह, इससे जो राशन जो गरीब हैं उनको राशन लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि 3 दिन की हड़ताल उन्होंने रखी है, किसी तरह का भी राशन वितरण नहीं किया जाएगा, ये उनके कहना है। और अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उनके लेकर जो है दुकान उन्होंने बंद कर रखी है। जी अकील, और कब तक ये प्रदर्शन अभी जारी रह सकता है, जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होंगी? क्या उनका ये कुछ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? जी, अभी उन्होंने ये संकेत दिया है 7, 8 और 9 फरवरी को 3 दिन के लिए उन्होंने जो है दुकानें बंद रखने का चेतावनी दी और दुकानें बंद भी कर रखी है। और उनकी मांगे, उनका कहना यही है राशन डीलरों का, जो मांगे इनकी पूरी नहीं तो आगे के लिए भी जो प्रदर्शन करेंगे और हड़ताल करेंगे। जी अकील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो मंगलोर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर राशन वितरण बंद करने का ऐलान किया गया है। बता दें हरिद्वार में भी राशन डीलरों की जो हड़ताल है वो जारी है, अपनी मांगों को लेकर वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में गंगोत्री विधानसभा से विधायक सुरेश चौहान ने गंगोत्री फिजिकल एकेडमी का शुभारंभ किया, जिसके अंतर्गत पूर्व सैनिक जनपद के युवाओं को निशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग देकर सेना में भर्ती के लिए तैयार करेंगे। इस एकेडमी के खुलने से पहाड़ के गरीब छात्र छात्राओं को, जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण तैयारी नहीं कर पाते थे, उनके आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और वहीं एकेडमी के संस्थापक चंद्रवीर सिंह का कहना है कि भविष्य में यहाँ संस्थान पूरे उत्तरकाशी में एकेडमी खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई चंद्रमोहन पवार जी, राम सिंह राणा जी, कई हमारे भूतपूर्व सैनिक और इसमें अहम योगदान है चंद्रमोहन पवार जी का। 3 साल से लगातार दूर दराज के गरीब लड़कों को बुलाकर उनको कैसे फिजिकल फिट किया जाए, जगह जगह सड़कों पर एकत्रित करते थे, तब उनको जो है फिजिकल दौड़ का अभ्यास कराते थे। और आज हमारे जो जिलाधिकारी हैं और जो हमारे ऊर्जा निगम के, उनके अथक प्रयास से यहाँ पर डैमेज हॉल था उसको सही करा कर यहाँ पर दिया गया इनको। और मुझे पूरा विश्वास है
एक नई दिशा नई सोच जो आज हमारे तमाम युवाओं के अंदर नशे की प्रकृति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होना वो भावना आ रही है, इससे काफ़ी हद तक निजात मिलेगी ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं इनके जो गंगोत्री फिजिकल एकेडमी का जो आज शुभारम्भ हुआ, शुभारम्भ तो 3 साल पहले से कर दिया था, मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक नया प्रयास लगातार 3 सालों से लगातार किया जा रहा है और लगभग कई बच्चे भर्ती भी हो चुके हैं और निस्वार्थ ये अपने जेब से खर्च करके जो इन्होंने किया, और हमने की जो भी पूरा सरकार से हमारे चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों चाहे हमारी तरफ से जो भी प्रयास किया जा सकेगा हम इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। सर अच्छा, हमें अच्छा लगा है, एकेडमी में बहुत बढ़िया है, खाना भी अच्छा है और जो लड़के हैं हमारे साथ सभी अच्छे लड़के हैं और बढ़िया ढंग से ट्रेनिंग करा रहे हैं सर, और बहुत अच्छा है सर, हमें अच्छा लगा। और आगे सर ट्रेनिंग चलेगी हमारी, मतलब फौज में जाने का पूरा जज्बा है आपके अंदर सर? हाँ जज्बा तो है सर, सभी लड़कों को है और लड़के अच्छे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सर भी अच्छे हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, खुश रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं और सभी लड़के खुश हैं हमारे साथ। और ये है बस, बढ़िया चल रहा। और इसी खबर पर उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताया जा रहा है कि मुख्यालय में गंगोत्री फिजिकल एकेडमी जो यहाँ पर खोला गया है, इससे कितना बच्चों को लाभ मिलने वाला है और किस तरीके से जो गरीब बच्चे छात्र छात्राएं हैं उनकी मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही उत्तरकाशी में आज जो एकेडमी यहाँ पर खोली गई है, यहाँ पर मैं जो चंद्रवीर के स्थापक हैं यहाँ के जो एकेडमी के जो पूर्व सैनिक थे, रिटायरमेंट है, तो इन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर जो भी यहाँ पर जो गरीब बच्चे हैं जो अपनी फीस नहीं दे पाते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने निःशुल्क यहाँ पर जो ट्रेनिंग एकेडमी गंगोत्री नाम से यहाँ पर रखा है। और जितने भी क्षेत्र के, क्योंकि उत्तरकाशी की बात की जाए तो उत्तरकाशी एक बॉर्डर एरिया से जुड़ा हुआ गांव है, तो यहाँ के जितने भी युवा हैं वो आर्मी और आर्मी फोर्स के साथ काफी लगाव के साथ काम करना चाहते हैं और सेना में काफी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जी सुमित, इसमें बताया जा रहा है कि छात्रों से इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जो गरीब छात्र हैं उनकी सहायता की जाएगी जिससे कि वो आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के चंद्रवीर सिंह स्थापक है, जो आर्मी रिटायर हैं, उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर जब बात की, इनसे जब वार्ता हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी हमारे दूर दराज के गाँव के जो युवा है जो आर्मी से यहाँ पर जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, तो यहाँ पर कई ऐसी मुश्किलें आ जाती है जो फिजिकल के मामले में यहाँ पर लोग फिजिकल में भार हो जाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक ट्रेनिंग की जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोला है वो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं के लिए एक वरदान साबित हो, क्योंकि यहाँ पर युवाओं के अंदर एक जोश भी है और जुनून है, वो चाहते हैं कि हम आर्मी में जाएं, तो कई बार यहाँ के जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो निर्भर हो जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे इन्होंने ये निःशुल्क यहाँ पर ये आर्मी सेंटर चलाया जाएगा, यहाँ पर जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो साफ तौर पर युवाओं को यहाँ पर की जाए, तो कहीं ना कहीं एक युवाओं के अंदर भी एक खुशी की लहर है और यहाँ पर विधायक का भी वो धन्यवाद कर रहे हैं और फिजिकल एकेडमी का भी यहाँ पर धन्यवाद कर रहे हैं युवाओं। जी सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। विश्व परिषद चार धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अभी से गंभीर नजर आ रहा है और यात्रा प्रारंभ होने की तारीख घोषित होने के बाद गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने नगर निगम परिसर में ही संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मौके पर पीडब्ल्यूडी और एनएच विभाग की कई लापरवाहियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई और इसके अलावा गढ़वाल कमिश्नर ने दिशा निर्देश भी दिए। ये आगामी चारधाम यात्रा वर्ष 2023 को लेकर ये बैठक आज यहाँ पर की गई है और इस बैठक में सभी जो जिले के जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, अन्य विभागों के सभी अधिकारी इसमें शामिल हुए। इसके अलावा यात्रा से जुड़े जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, परिवहन विभाग के और अन्य संस्थाएँ, मंदिर समिति है, हेमकुंड साहब गुरुद्वारा समिति है, सभी ने प्रतिभाग किया है, तो आगे आने वाली यात्रा किस प्रकार से सुचारू ढंग से
की जाए उसके लिए यहाँ पर आज चर्चा हुई है और सभी विभागों को जो भी उनको कार्य करने हैं 31 मार्च तक का समय दिया गया है क्योंकि जैसे आप अवगत हैं कि कपाट खुलने की तिथियाँ घोषित हो रही हैं और अप्रैल माह के अंत में सभी धामों के कपाट खुल जाएंगे। फिलहाल अपने उत्तराखंड में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।